हे गाइस, तो आज बहुत लोग यूट्यूबर होंगे अभी। और अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने एक चैनल का नाम ज़रूर सुना होगा। उस चैनल का नाम है मेक जोक ऑफ। तो एग्जैक्टली वो चैनल अभी 2-3 महीने पहले शुरू हुआ है और उसने इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है, जैसे कि उसके आप सब्सक्राइबर अभी देख सकते हैं। मैंने वो चैनल खोला हुआ हूँ और उन्होंने 9 वीडियो अभी तक डाले हैं। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए। लेकिन अब जब आप उनके वीडियोस आपने देखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि आखिर उन्होंने, आपको ये लगता होगा कि उन्होंने आखिर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। तो आज मैं उसी सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे नाम बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा जिससे आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आज मैं कोई यहाँ पे आपको एडिटिंग ट्यूटोरियल नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग उस वाले सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पे चलते हैं जहाँ से आप इसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। उस वेबसाइट का नाम है blender.org। उस वेबसाइट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। जब आप खोलेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन सोर्स 3D क्रिएशन, क्या यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड ब्लेंडर। यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे अपने PC में या फिर कंप्यूटर में, कहीं पे भी। ठीक है, इसमें आपको देख सकते हैं, मैं आपको एक बार नीचे दिखाना चाहूँगा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी एडिटिंग हो जाती है, रियल टाइम व्यू पोर्ट प्रीव्यू, CPU एंड GPU रेंडरिंग, VR रेंडरिंग सपोर्ट, यहाँ तक कि 3D वीडियोस, आप 360 डिग्री वीडियोस कुछ भी बना सकते हैं। 3D पेंटिंग तक कर सकते हैं इसमें, बढ़िया बढ़िया। और भी इसमें एनिमेशन कर सकते हैं, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर था फ्लैश कुछ करके था, एडोब फ्लैश, तो उसमें आप एनिमेशन करते थे। इससे बढ़िया ये सॉफ्टवेयर है और फ्री भी है, वो ख़रीदना पड़ता आपको है। स्टोरी आर्ट, इसमें जैसे कि आप ये इसी तरीके से आप इसमें आर्ट बना रहे स्टोरी की तरह, जैसे कि वो लोग बनाते हैं, और मेक इट योर, और ये सब है इसमें, आप आराम से कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैंने कोई ट्यूटोरियल नहीं किया, इसलिए मैंने ट्यूटोरियल नहीं किया क्योंकि मुझे, देखिए, ज़्यादा मुझे एडिटिंग में इंटरेस्ट है नहीं। मेरे आप खुद वीडियो देख सकते हैं, ज़्यादा मैं एडिटिंग करता नहीं हूँ। और एग्जैक्टली मेरा जो है PC भी ख़राब हो गया, तभी मैंने इसमें कुछ किया नहीं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि मैंने इस वीडियो को जल्दी इसलिए बना दिया भाई, कि जैसे कि बहुत से लोग गुमराह बन रहे थे, उन्हें लोग पता नहीं कौन कौन से सॉफ्टवेयर बता रहे थे और वो लोग गुमराह बन के उसे डाल रहे थे, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे थे। मैंने सोचा एक बार आपको सही सॉफ्टवेयर दिखा दूँ जिससे आपको मदद मिल जाए। तो गाइस, इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लोग जान जाए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।